अस्सलाम वालेकुम। डीए व्हील्स की रिव्यू सीरीज़ के दूसरे एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आज हम लोग आए हैं मलिक ट्रेडर्स, जो कि पेशावर के बड़े मारूफ और बड़े जाने माने, मेरे ख्याल में ऑल ओवर पाकिस्तान जाने हुए बंदे हैं मलिक उमर भाई। तो आज ये इनकी डिस्प्ले है। तो मलिक भाई, उमर भाई से कुछ क्वेश्चन वगैरह भी हम लोग पूछेंगे कि ये इन्होंने क्या स्टफ़ रखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि मैं तो यहाँ पर आके मेरे ख्याल में बिल्कुल दंग ही रह गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ें पड़ी हैं। तो ये मेरे पीछे खड़े हैं उमर भाई। उमर भाई अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है उमर भाई? ठीक ठाक खैरियत से? उमर भाई बिज़नेस स्टार्ट कर बताएं, बिज़नेस आपने कैसे स्टार्ट किया? सर बिज़नेस तो इस तरह हुआ कि अपना भी शौक था और 2015 की बात है। अच्छा, ये मैंने स्टार्टिंग की इसकी और साथ साथ बस फ्लरिश होता गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। तो अभी आपके सामने है सर? नहीं माशाल्लाह, काफ़ी ज़बरदस्त उसका डिस्प्ले आपने रखा हुआ है। तो ठीक है, तो उमर भाई प्रेफरेंस आप किस चीज़ को देते हैं, ट्रांजिट को देते हैं कि इम्पोर्ट को देते हैं? सर देखें, ट्रांजिट जो होता है वो तो आपको अच्छी तरह पता है, अफगानिस्तान के रास्ते आता है जी जी, और उसमें फिर बहुत ख़तरा होता है कि माल पकड़ा गया, डैमेज हो गया, फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी जो है हम पे होती है जी जी बिल्कुल। क्लाइंट आपसे 100% एक्यूरेट चीज़ मांगता है, तो मैं प्रेफर करता हूँ पोर्ट को। अच्छा, तो आपकी जो ये सारी जो शिपमेंट्स वगैरह हैं तो ये कराची पोर्ट से आती हैं? जी, ये कराची बिन कासिम पोर्ट से मेरी सारी शिपमेंट्स आती हैं। अच्छा ठीक है माशाल्लाह। रिम्स थोड़े से क्लासिफाई करने के, आपके पास ये क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं तो बिल्कुल हैरान परेशान हो गया हूँ यहाँ पर आके। सर मेरे पास इस वक्त 15 इंच से लेके 20 इंच तक की वैरायटी पड़ी हुई है। अच्छा ठीक है सर, आप देख सकते हैं मेरे पास काबली में भी पड़ा हुआ सामान और डिश में भी पड़ा हुआ है। अब जिस तरह ये हमारे काबली सेट सर, ये फुली रिस्टोर्ड है। अच्छा जी ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं ये रेस इसी 28 हो गई, ओसी रेसिंग हो गई, ओरिजिनल डिश में जी 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 ठीक है। उसके अलावा ये सारी हमारी डिश की वैरायटी है। अच्छा, ये जो ऊपर वाली जो दो लाइंस है मेरे ख्याल में, ये सारा आपको डिश नजर आएगा ये। अच्छा ठीक है, ये 15 इंचेस टू 18 इंचेस इसकी सारी वैरायटी है हमारे पास। ठीक है, जिसमें आपको डिश मिलता है, कंकेव मिलता है और डिफरेंट कलर्स आपको मिल जाते हैं, सही, क्रोम में और पेंट फिनिश बोथ। ठीक ठीक ठीक। अच्छा उमर भाई, ये ऑफसेट क्या चीज़ होती है, ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें व्यूअर्स को, ताकि व्यूअर्स को थोड़ी सी अच्छी आइडिया मिल जाए। सर इस पे हमने भी बहुत जो है मेहनत की है, और पहले तो हमें खुद आइडिया नहीं होता था जब हम बिल्कुल न्यू थे इस फील्ड में। ठीक, तो बेसिकली बहुत लोग हमसे पूछते हैं ऑफसेट के बारे में, जिन्हें हम बोलते हैं कि ये जीरो ऑफसेट है भैया, आपकी गाड़ी के लिए ठीक है, तो उनको फिर वो यही शिकायत करते हैं कि यार ये गाड़ी से टायर बाहर आएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम इंपोर्ट करते हैं स्पेसिफिकली। अब जिस तरह ये भी हो गया जी जी, ये वर्क माइस्टर्स एल्बम है 17 इंचेस में। ठीक है, इनका ऑफसेट है 20। सही है। अब ये रिम जो है 8.5J में ये गाड़ी के फेंडर के आर्चेस से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, आपको सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप एक प्रेफरेबल प्रोफाइल का टायर डालो जी जी जी। ठीक, तो इसका गाड़ी जितनी ड्रॉप भी कर दोगे तो ये इंशाल्लाह ये फेंडर के आर्च से बाहर नहीं आएगा। और ऑफसेट बेसिकली होता है, अब ये आपका व्हील का मोड है। ठीक है जी जी जी, जितना आपका ऑफसेट पॉजिटिव होता जाएगा ये आपका फ्लार जो है रिम का ये बाहर की तरफ आता जाएगा, जो कि व्हील अंदर की तरफ जाएगा। इसकी बैक साइड जो है ये अंदर की तरफ चली जाएगी फेंडर के, जो गाड़ी के बाहर आर्च से लगेगा नहीं। ठीक, और जितना ऑफसेट नेगेटिव होता जाएगा उतनी आपकी लिप बढ़ती जाएगी, और आपको उसके लिए फिटमेंट बनानी पड़ेगी या ओवर फेंडर्स करवाने होंगे या आर्चेस लगवाने होंगे। ठीक है। अच्छा, डीप डिश और स्टीलीस? सर 100% डीप डिश। रीजन? सर अगर आप डीप डिश ना भी यूज़ करो, आप स्टॉक रिम्स यूज़ करो, लेकिन स्टीलीज में जो आजकल डिश बना लेते हैं वो मैं बिल्कुल डिस्करेज करूँगा। ठीक है, वो तो ना हमारी एनवायरनमेंट में वो सूट करता है, ना हमारी एनवायरनमेंट में उसका जो एक वेल्ड है वो भी नहीं काम करता ह्यूमिडिटी की वजह से। जो एक फैक्ट्री का अपना टेम्परेचर लेवल होता है और अपना काम होता है वो एक अलग चीज़ होती है, और यहाँ पर हम अपने लोकल मार्केट्स में एक चीज़ बना दें ज़मीन पे बैठ के, वो अलग चीज़ होगी फॉर श्योर। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ये आपके रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपने मुझे बताया था कि ये कुछ आपके पास शो स्टॉपर्स पड़े हैं, तो इसे भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें कि ये क्या चीज़ें पड़ी हैं। सर ये मेरे रोटीफॉर्म एक्स व्हील्स हैं। अच्छा, 17 इंचेस में सुपर मिरर क्रोम। अच्छा सर, आप देख सकते हैं इसमें जो है 3 फीट तक आपको मेरे बिल्कुल रिफ्लेक्शन 100% नज़र आएगी। जी जी जी, इसको हमने कस्टमाइज किया हुआ है 17s 10.5J में।
और ये पीसीडी का इशू बहुत आता है करोला के लिए, किसको रिम नहीं मिलता। पीसीडी क्या चीज़ है? पीसीडी जो हर गाड़ी की अपनी पीसीडी होती है, अब ये 5x मल्टी पीसीडी है, ये 100 भी है, 114 भी है। अच्छा ठीक, तो इसमें आपको होंडा का भी फिटिंग मिल जाएगी और टोयोटा की फिटिंग भी मिल जाएगी, और ये 10 ऑफसेट है। अच्छा 10 ऑफसेट में। टायर्स मैंने कुछ टायर्स वगैरह मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, तो काइंडली थोड़ा सा ये भी बता दें कि ये क्या कौन से टायर्स हैं और आप वो ये कहाँ से इंपोर्ट करवाते हैं? सर मैं तो मेनली रखता हूँ चाइनीज टायर्स। अच्छा ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो हमारा आइटम है मेनली ये स्टूडेंट्स वगैरह जो एंथुसियास्ट हैं जिनके पास मतलब इतना बजट नहीं होता जी, वो ये चीज़ यूज़ करते हैं। तो ये मेरे टायर्स हैं, ये मेरे इम्पोर्टेड टायर्स हैं, ये कोई ट्रांजिट का स्टॉक नहीं है, इसकी हम साल की गारंटी देते हैं बिल पे रिटर्न। अच्छा ठीक है। जो कि आपको जापानीज की भी लोकल मार्केट्स में नहीं मिलेगी। और ये कौन सा ब्रांड है सर? ये इसमें डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, कंफोर्सर भी है, यानकिंग भी है, वनली भी है, रोटेला भी है, एंड सो ऑन। अच्छा तो मार्केट में तो मेरे ख्याल से बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जापानीज ब्रांड्स भी हैं, जर्मन भी हैं, तो आप इन चीज इस ब्रांड को आप क्यों तरजीह देते हैं? सर जो जर्मन और जापानीज अफोर्ड कर सकता है वो तो बहुत अच्छी बात है। इफ जो लो बजट गेम्स होती हैं जी, उसमें फिर आपको मिलता है एक सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है कि हाँ भाई मैं पैसे दे रहा हूँ तो मैं अच्छी चीज़ पे दे रहा हूँ। ठीक है। जो ट्रांजिट होंगे वो बैंड होगा ना, उसकी गारंटी होगी, हाई स्पीड पे बबल करेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसकी मैं साल की गारंटी देता हूँ बिल पर। अच्छा, ये कराची पोर्ट की इम्पोर्ट है और नॉन ट्रांजिट है। अच्छा ठीक है। सुबह मैं जब आ रहा था यहाँ पर तो आपके पेज पे मैंने एक पोस्ट देखी व्हील कस्टमाइजेशन की, तो उस चीज़ को भी थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कर दें कि वो कौन सा सीन है। सर बेसिकली हमसे लोग अक्सर मांगते हैं कि भाई डीम डिश दिला दो, लाइक 350C के लिए हो गया, RX-8 RX-7 के लिए हो गया जी, जितनी बड़ी गाड़ियाँ क्राउन वगैरह मार्केट्स, तो ये सारे हमारे पास जितने ही कास्ट व्हील्स हैं। ठीक है, कास्ट व्हील्स हैं, इसमें फिर हम कस्टमाइज करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए डिफरेंट ऑफसेट में जी, सेंटर बोर में, PCD में, कलर में, हर एक चीज़ में हम कस्टमाइज करके देते हैं। जॉन सी पिक्चर वो हमें दिखा दे रहे हैं, ये हमारी सारी फैक्ट्रीज हमें ऑफर करती हैं, USA हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, वहाँ से हम इम्पोर्ट करके ये फिर मंगवाते हैं और यहाँ भेजते हैं। अच्छा, मेरा भी मुझे एक रिम बड़ी यहाँ पर पसंद आई है, ये जो नीचे पड़ी ये गोल्डन कलर की, तो इसके अंदर मैं आपको कहता हूँ कि उमर भाई इसकी थोड़ी सी लिप बाहर निकाल लें, तो इसका फिर आप क्या करवा के देंगे मुझे? सर ये 17 इंचेस है और फोर्जिंग बेसिकली स्टार्ट होती है 18 इंचेस में। अच्छा जी ठीक। यही सेट 18 इंचेस का होता तो इसको मैं आप मुझे बताते, जितना आपको ऑफसेट चाहिए, आपको ये फ्लावर इसका जितना पीछे चाहिए और जितनी इसकी विड्थ चाहिए, तो उसी में हम आपको कस्टमाइज करके देंगे। ये आप फिर अपनी पसंद की फिटमेंट में यूज कर सकते हैं, ओवर फेंडर्स लगा के भी, आर्चेस लगा के, वो फिर टोटल डिपेंड करता है। अच्छा, गाड़ी अगर आपको एक चांस मिला फॉर एग्जांपल कि मैं बोलता हूँ उमर भाई ये फलाना रिम है आप की अगर कोई गाड़ी हो तो आप कौन सी गाड़ी प्रेफर करेंगे जिसके अंदर आप ये रिम लगवाना चाहेंगे? सर गाड़ियाँ तो बहुत हैं। अच्छा, और लेकिन जो इस वक्त बजट में है उसको हम मेंशन कर देंगे। मेरी ऑल टाइम फेवरेट है जो मैंने रखी हुई है एक बार जी जी, जो बहुत लोगों ने रेडी कर दी है, तैयार कर दी है, 2000 जो होती है 2000 अच्छा सीडान जो होती है जी जी, वो मुझे बहुत पसंद है। और उसके लिए मुझे मेरा जो फेवरेट व्हील है 17s में, अक्सर लोग कहते हैं कि भाई हमारी फिटमेंट उस तरह नहीं बैठती जी जी, लेकिन इंशाल्लाह हम बनाएंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे। ये वर्क्स का है CR2PV। अच्छा। ये मेरा फेवरेट, इंशाल्लाह मैं यही लगाना चाहूँगा जब भी मैं अपनी 2000 रेडी करूँगा। अच्छा, लेकिन उसके स्पेक्स थोड़े से चेंज होंगे। ये जो स्पेक्स हैं ये बिल्कुल आपके फेंडर के आर्चेस के अंदर आएगा, और मैं जब करूंगा तो उसमें फिर ओवर फेंडर्स तक इंशाल्लाह। उमर भाई अभी तक जो है Maliktraders तो जैसे कि पूरे पाकिस्तान में एक ब्रांड मेरे ख्याल में है, हर जिस दूसरे बंदे से जब हम लोग पूछते हैं तो भाई यार रिम्स कहाँ से परचेज किए, तो आंसर उसका कन्फर्म यही होता है कि यार मैं Maliktraders से परचेज किए, पेशावर से, उमर भाई से। तो अभी तक रोड पे आपकी हमने कोई आउटलेट नहीं देखी। दूसरी बात, ट्रस्ट आप पे लोग कैसे कर लेते हैं इतनी दूर दूर से, क्योंकि आपका माल तो पूरे पाकिस्तान में जाता है, तो ट्रस्ट लोग कैसे कर लेते हैं? सर बड़ी अच्छी बात की, बेसिकली बात ऐसी है कि हमें इस वक्त ज़रूरत नहीं पड़ी आउटलेट की कि हम अपना कोई आउटलेट खोलें। वो इसलिए कि हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ा प्यार मिला है हमारे क्लाइंट्स से, बड़ी इज्जत दी है। जब हम जीरो थे और अभी जो हम हैं ये सब अपने क्लाइंट्स की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह।
ठीक है। और ट्रस्ट का ये होता है कि आपका स्टार्टिंग में मुझे बड़ी प्रॉब्लम थी इसलिए कि बहुत ज़्यादा स्कैमर्स बैठे हुए हैं बीच में। जी जी। जो अब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। बेसिकली बात ये है कि आप जब एक बंदे के साथ सही से डील करते हो तो वो आगे 10 बंदों को बताता है। बिल्कुल सही बात। जब उन 10 बंदों में से कोई 3 भी आ जाए तो वो फिर आगे 30 बंदों को बता देते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह आपकी फैमिली ग्रो करती जाती है और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेज के फॉलोअर्स 25,000 और उसके अलावा मेरा व्हाट्सएप, मेरा फ़ोन, इस तरह बहुत सारे क्लाइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह जिनको हम जो हमारे पोटेंशियल बायर्स हैं जी हम अपना स्टफ प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। माशाल्लाह सिमर भी बड़ा अच्छा सेटअप आपने बनाया है और काफ़ी यूनिक सेटअप है, जिस तरह मैंने मेरा ख्याल में पेशावर में तो मैंने किसी के पास आज तक नहीं देखा। तो दूसरा आप कुछ जिक्र कर रहे थे अपनी ये कोई इम्पोर्ट्स वगैरह की, आप कह रहे थे कि मैं कोई सेल्फ इम्पोर्ट करवाने वाला हूँ, तो वो सीन भी आप थोड़ा सा हमें क्लियर कर दें। सर वो यही जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो हमारे कस्टमाइजेशन है व्हील्स की, अच्छा अच्छा वो मैं इंशाल्लाह मैंने स्टार्ट किया। मेरे पास पहला ऑर्डर आ चुका है पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, और वो क्लाइंट का नाम और गाड़ी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा फिलहाल। नहीं, हम लोग पूछेंगे भी नहीं आपसे। तो वो इंशाल्लाह जब व्हील आएगा तो इट विल बी अ ब्लास्ट। सही है। एक्सपेक्टेड क्या है, कब तक लॉन्च हो जाएगी? राइट आफ्टर ईद अल फितर इंशाल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स जैसे कि आपने देख लिया है ये सारी चीज़ें, ये उमर भाई की डिस्प्ले हैं। उमर भाई थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें कि ये कौन से पड़े हैं रिम्स? सर ये भी जेएनसी का व्हील हो गया। अच्छा। इस तरह ये है 17 इंचेस में 9J में गोल्ड क्रोम है। अच्छा। गोल्ड और कॉपर में अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं, इसको गोल्ड कहते हैं और अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कॉपर होता है बेसिकली। ये जो नीचे पड़ा हुआ है ये वाला होता है कॉपर और वो ऊपर जो दिखाया वो गोल्ड होता है। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास सुपर क्रोम में होते हैं, सुपर क्रोम में जेएनसी की मेश स्टाइल में है। ये 15 इंचेस का स्टॉक है CE28 8J9J स्टैगर्ड जीरो ऑफसेट में। ठीक है। उसके अलावा वटन एब्स है जिसकी बहुत कॉपियां आजकल घूम रही हैं बाजार में। जी 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 बिल्कुल। ये ESR SR04 है हमारे पास 18 में, काफी वैरायटी हमारे पास। ESR SR05 ये बड़ा है। अच्छा ये जो नीचे बिल्कुल बिल्कुल ये वाला। ठीक। और जो वर्क मास्टर्स है वो ये है। ठीक है। हमारे पाकिस्तान का हॉट फेवरेट है। बिल्कुल सही बात है। जो सबसे अच्छी चीज़ है T37SL18 में ये है, ये अल्हम्दुलिल्लाह आज ही इनकी पेमेंट हो गया मुझे, ये जाएंगे इंशाल्लाह मर्दान आपके शहर। एग्जैक्टली। ठीक ठीक ठीक। तो व्यूअर्स उमर भाई का डिस्प्ले तो आप लोगों ने देख लिया है, तो मैं अपने व्यूअर्स को इनक्रेज करूँगा कि अगर आप लोग क्वालिटी चाहते हैं अप टू द मार्क और मेंटेन चीज़ चाहते हैं, अच्छी चीज़ चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि गो फॉर मलिक ट्रेडर्स। तो उमर भाई कोरोना चल रहा है तो मेरे ख्याल में हाथ मार तो नहीं मिला सकते, इजाज़त दीजिएगा हमें चलते बनेंगे। तो व्यूअर्स दिए व्हील्स को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि इंशाल्लाह आपको इसी तरह से मज़ीद अपडेटेड वीडियोस मिल जाया करें। थैंक यू उमर भाई, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। We'll be right back.